आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम पनीर कचौड़ियां बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं उसमें कौन कौन सा सब्जी लगता है। आप अपने घर में बनाकर देखिए। 200 ग्राम पनीर है, 500 ग्राम आटा है, 100 ग्राम ऑयल तेल है, और जीरा और अजवाइन मंगराई है, और बारीक कटी हरी मिर्च है, और स्वाद अनुसार नमक है, लाल मिर्च है, और प्याज है बारीक कटी हुई। मैगी मसाला अपना स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। पनीर डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और एक मैगी मसाला का पॉकेट डालेंगे। अच्छे से इसमें का कचौड़ी में का मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें 500 ग्राम मैदा लिए हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा अजवाइन मंगरैल डाल देंगे, इसमें हल्का हल्का सा नमक डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। बारीक इसको मिक्स करने के बाद हम आटा गूंथ लिए हैं, और हमारे के लिए तैयारी करेंगे। छोटा छोटा लोई बना लिए हैं, और इसमें हम सीट करेंगे अपना लोई के अनुसार। इसको फ्राई करते वक्त हम इसको थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। अभी हम लोई बनाकर इसको रख लेते हैं सेट करके बारी बारी से सब। हम इसे थोड़ा और चौड़ा ऐसे कर देंगे ताकि छानते वक्त ये अच्छा से तल जाए। अपने घर में अपने बच्चे को खिलाइए, बहुत बच्चे प्रेम से खाते हैं। बनाना बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा समय में बन जाता है, और टेस्टी और हेल्दी दोनों रहता है। और इसमें मैं ऑयल डाल दे रही हूँ, इसको थोड़ी देर हीट होने के लिए छोड़ देंगे।
सब्जी अभी हीट हो गया है, एक हम छोटा सा डालकर देख लेंगे जो ऊपर में आ जाएगा हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर हम इसमें डालेंगे चोड़िया को बारीक बारीक से। हम इसको लौटते रहेंगे, ठीक हो गया है और सुनहरा रंग का दिख रहा है। अब हम इसको बारीक बारीक से साइड से निकाल लेंगे। बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको हम गैस को बंद कर हम इसमें परोस रहे हैं। दोस्तों मैं इसको काट कर दिखा रही हूँ कितना आसान है, इसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं है और कोई भी इसको खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं, तो उसके साथ आप खा सकते हैं। अपने घर में बनाकर इसको ट्राई कीजिए और अपने बच्चों